तो ये है हमारे टेक्नो गेमर्स का कासल, और ये भी हमारे टेक्नो गेमर्स के कासल जैसा दिखने वाला एक नकली कासल। एक बंदे ने टेक्नो गेमर्स के कासल की कॉपी करके बिल्कुल हूबहू कासल बना दिया, लेकिन लोगों का कहना है जो ये कासल है बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, यहाँ पर हद से ज्यादा डरावनी चीजें होती है। तो मैं भी जाने वाला हूँ इस नकली कासल को एक्सप्लोर करने, देखते है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसी क्रीपी चीजें होती है या ये सब बातें अंधविश्वास है। लेट्स बिगिन। तो ये लो गाइस, इस टाइम पे मैं टेक्नो गेमर्स के कासल के बाहर हूँ, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये फेक कासल है, किसी ने हूबहू कॉपी करके बना रखा है। लेकिन मानना पड़ेगा इतनी डिटेलिंग के साथ कॉपी भी कोई कैसे कर सकता है। लेकिन जो हमारी मेन बात है यार, यहाँ पर तो कुछ भी हॉरर नहीं लग रहा है। एक तो आसपास सब कुछ सेफ लग रहा है, भाई मैं पूरे टाइम यहाँ रह सकता हूँ, कुछ भी डरावनी चीज नहीं है। इवन यहाँ पर टेक्नो गेमर्स के कासल के अंदर भी सब कुछ सेम है, हॉरर नाम की यहाँ पर कुछ चीज ही नहीं है। इवन जो हमारे डोर्स लगा रखे हैं इनके अंदर भी चेस्ट है और यहाँ पर सामान भी रखा हुआ है देखो। और एक सेकंड, अभी ये देखो यहाँ पर किसी ने प्लस बना रखा है, और ये तो हमारी टेक्नो गेमर्स के 20 मिलियन वाला गेट है ना। अरे टेक्नो गेमर्स ने तो आज तक प्लस बनाया ही नहीं है यहाँ पर, तो ये प्लस कहाँ से आ रखा है। ओके वेल, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन मैं सिर्फ इसको देख के ये नहीं कह सकता कि ये पूरा ही कासल हॉन्टेड है। क्या पता किसी ने मजाक करने के लिए बनाया हो। खैर इसको इग्नोर करो, मतलब ये इग्नोर तो करा जा नहीं सकता, बट इसको इग्नोर करो। अभी एक काम करते हैं, हम कासल से बाहर जाते हैं एंड आसपास थोड़ी चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि जू में चलते हैं, वहां पर ओ भाई ये देखो जरा, एक सेकंड, एग्जैक्ट सेम प्लस, यहाँ पर भी एग्जैक्ट वही सेम प्लस है जो मैंने कासल के अंदर देखा था। गॉड मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये कोई प्रैंक करने के लिए बना रहा है या सच में इस कुछ वर्ल्ड में गड़बड़ है। वेट, मेरे को ना अभी आसपास कुछ गड़बड़ लग रही है, थोड़ा आगे जाते हैं। वो देखो भाई, वहां पर भी एग्जैक्ट सेम प्लस है। इस वर्ल्ड में ना आसपास काफी सारे प्लस दिख चुके हैं मेरे को, और जू के अंदर चल के देखते हैं एक बारी। ये देखो भाई, इसलिए इस कासल को अबेंडेंट कहते हैं क्योंकि जू में कोई भी एनिमल नहीं है। रियल वर्ल्ड में तो काफी सारे एनिमल्स हुआ करते थे ना, और आई थिंक जू के साइड में भी एक प्लस हो सकता। ये देखो भाई, यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम प्लस है। इस वर्ल्ड में हर एक बिल्डिंग के आसपास कोई ना कोई प्लस बना रखा है। वेल, इतनी सी देर में मेरे को इतना तो समझ आ गया कि ये वर्ल्ड नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्लस वाली चीजें हो रही है ना, ये सच में क्रीपी है यार। और अभी ना मैं अम्यूजमेंट पार्क में जाने वाला हूँ, वहां पर भी देखते हैं कि वहां पर भी कुछ ऐसा ही हाल है क्या। एंड गाइज, यू वोंट बिलीव कि मेरे को वहां पर भी ऐसी चीजें दिखती है। एक प्लस यहाँ पर है और एक प्लस हमारा जो जायंट व्हील है उसके पास भी बना रखा है। ये मेरा सिर्फ यहाँ पर पहला ही दिन है और अभी से यहाँ पर इस कासल में हॉन्टेड चीजें होना शुरू हो चुकी है। वेल, पहले मैं बिलीव नहीं कर रहा, बट ये प्लस को देख के ना थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन अभी मेरा प्लान ये है कि अभी तो मैं कासल के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन रात के टाइम निकलूंगा ताकि मेरे कैमरे में शायद और भी कुछ क्रीपी रिकॉर्ड हो जाए। तो यहाँ पर हमारा फाइनली सूरज ढल चुका है और कुछ ही देर में यहाँ पर गुप्त अंधेरा होने वाला है, और मैं रात को इस कासल को एक्सप्लोर भी करूंगा ताकि मेरे को पता तो चले क्यों इस कासल को इतना हॉन्टेड कहते हैं। तो जरा नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं और देखते हैं कि नीचे क्या हाल है हमारा। वेल, विलेजर्स की तो आवाज आ नहीं रही है, और जरा ये देखो यहाँ पर एक भी विलेजर नहीं है, तभी तो इस कासल को अबेंडेंट बुलाते हैं। यहाँ पर ना ही कोई विलेजर है, और तो जब मैं जू में गया था वहाँ पर कोई एनिमल भी नहीं मिला था। तो इसका मतलब इस पूरे से बड़े कासल के अंदर मैं बिल्कुल अकेला हूँ, आसपास कोई भी नहीं है, एंड अकेले होने पे और ज्यादा डर लगता है अंधेरे में। वेल, एक काम करते हैं, जरा हमारी छत पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या हाल है। ये देखो पूरी की पूरी छत सुनसान पड़ी हुई है यहाँ पर। अरे एक सेकंड, ये फायर क्रैकर की आवाज जो मेरे को आई है वो क्या आप लोगों को भी आई है? एक सेकंड, ये देखो फिर से आई है। मैं 100% श्योर हूं कि भाई शायद से वहां पर कोई है। एक काम करते हैं, अम्यूजमेंट पार्क की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को खाने की सख्त जरूरत है, मेरा हंगर बार देखो जरा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से कासल के अंदर जाते हैं और काफी सारा खाना ले लेते हैं ताकि हम जल्दी से पेट भर के अम्यूजमेंट पार्क की तरफ चलें। और अम्यूजमेंट पार्क की तरफ जाना ही मेरी एक सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि जैसे ही मैं खाना लेके कासल से बाहर जाता हूं, मेरे को एक ज़ॉम्बी तो दिखता है, लेकिन उसके बिल्कुल पीछे एक ऐसी स्किन दिखती है जो जुअल गेमर जैसी है, लेकिन काफी ज्यादा डरावनी, और कुछ ही सेकंड्स में वो गायब भी हो जाती है। मैं उस क्रीपी से एक्सपीरियंस को कैप्चर तो करना चाहता था, लेकिन ये ज़ॉम्बी मेरे को जाने ही नहीं दे रहा था, मेरे पे अटैक करने लग जाता है। तो मैं जल्दी से कासल के अंदर जाता हूं ताकि मैं आर्मर्स वगैरह पहनकर और स्वॉर्ड लेकर थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो जाऊं। तो मैं जल्दी से आर्मर पहनता हूं और बिना देरी करे कासल से निकलते ही अम्यूजमेंट पार्क की तरफ भाग जाता हूं। लेकिन यार ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि रात को निकलने वाले ज़ॉम्बी और स्पाइडर भाई ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। एंड जैसे ही मैं अम्यूजमेंट पार्क की तरफ पहुंचता हूं, तो मेरे को दिखता है कि भाई फायर क्रैकर्स खुद पर खुद जल रहे हैं। इसका मतलब कोई अम्यूजमेंट पार्क की प्रेशर प्लेट्स पे चल रहा है, लेकिन वो मेरे को बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है। और तो और भाई, जो हमारा जॉइंट व्हील था वो भी खुद पर खुद ऑन हो चुका है। इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था मेरे को कि मेरे अलावा इस अम्यूजमेंट पार्क में और कोई भी है। एंड मैं फिर एक ऐसी चीज नोटिस करता हूं जिसको देख के मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूं। दोपहर के टाइम यहां पर एक प्लस था जो कि इस टाइम पे गायब हो चुका है, एंड तभी मेरे ऊपर एरो से अटैक होता है। तो पहले तो मेरे को लगा कि
भाई किसी स्केलेटन ने अटैक करा होगा, लेकिन इस टाइम पे मेरे आसपास कोई भी स्केलेटन नहीं है। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पड़ चुका है जो एरोस से मेरे को इस अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकालना चाह रहा है, क्योंकि जहां पर भी मैं भाग के जाने की कोशिश कर रहा था मेरे ऊपर एरोस का अटैक हो रहा था। इवन मैं जैसी कासल में पहुंचता हूँ मेरे सामने एक एरो आके गिरता है और आसपास कोई भी स्केलेटन नहीं है, तो मैं भाई बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ और मैं तुरंत कासल के अंदर भाग जाता हूँ ताकि मैं थोड़ा सेफ फील कर सकूं। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, देखो मैं 1 मिलियन के कितना ज्यादा क्लोज हूँ, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरे को 1 मिलियन तक पहुँचा देना, और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसको दिल से लव यू मेरे भाई। ओ भाई पिछली रात यार ढंग से नींद भी नहीं आई है, क्योंकि यार जो रात को हुआ है ना वही मेरे दिमाग में चल रहा था। टेक्नो की डरावनी वाली स्किन और फिर वो मेरे पे एरोस से अटैक होना काफी ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस था। तो बस मैं अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने वाला हूँ, उसके बाद मैं नहीं खेलने वाला इस वर्ल्ड को, क्योंकि यार ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जितने भी कासल के अंदर रूम है मैं सबको चेक करने वाला हूँ ताकि पता चले कि वो रूम्स नॉर्मल है या वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और मैंने हर एक रूम को बिल्कुल अच्छे से चेक करा है, मेरे को वहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं लगी है। तो अब मैं काम करता हूँ, कासल के बाहर जाता हूँ और हर एक कोने को अच्छे से चेक करने वाला हूँ। एंड यार सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है ना कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है इस वर्ल्ड में, कोई भी विलेजर तो है ही नहीं। और जरा लाइब्रेरी को देखो, एक भी विलेजर का आपको नामो निशान भी नहीं दिखेगा। एंड सामने हमारे वो पिग्स और शीप्स घूम रहे हैं। एक मिनट, ये पिक को देखो जरा भाई, पूरा इसका चमड़ी वगैरह फटी पड़ी है और इसका फेस भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको जला दिया हो, ये कितना ज्यादा क्रीपी है। और एक सेकंड, हमारी शीप्स भी लगता है भाई इनको जैसे कोई बीमारी हो रखी है, इनके पैर देखो जरा, बड़ी ही घिन आ रही है यार इनको देख के, मतलब यार कितना ज्यादा क्रीपी जैसा ये। एंड इन एनिमल्स को मैंने तुरंत मार दिया ताकि मेरे को इनके खाने के बारे में पता चले कि वो भी सड़ा हुआ है क्या, लेकिन यार इनका खाना एकदम सही है, बस इनकी स्किन खराब हो रखी है। मेरे समझ के तो बिल्कुल बाहर है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि आगे की तरफ ना एक विलेज है, उस साइड पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर क्या हाल है। तो गाइज उस विलेज के अंदर जाने के लिए मैं इस पानी में छलांग मारता हूँ और ये देखो जरा पूरा पानी का क्या हाल हो रखा है, पूरा पानी रेड पड़ चुका है जैसे यहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हूँ। और गौर करने वाली बात यह है कि ऊपर से पानी बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन अंदर से पानी बिल्कुल लाल पड़ चुका है। ऐसा सब इस वर्ल्ड में क्यों हो रहा है मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये वर्ल्ड हॉन्टेड के साथ साथ काफी ज्यादा कर्स्ड भी बन चुका है। एंड इसके बाद फिर क्या होता है एक बार आप खुद ही देख लो भाई, मेरी स्टैचू के ऊपर नजर पड़ती है एंड मैं कुछ सेकंड के लिए स्टन हो जाता हूँ। ये पूरा स्टैचू खून से लथपथ पड़ा है, जैसी हमने रात को वो डरावनी स्किन देखी थी ये स्टैचू एग्जैक्ट वैसा ही दिख रहा है। यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो जिसने ये कासल बनाया है उसने जानबूझकर यहाँ पर हॉन्टेड चीजें बनाई है, या तो इस वर्ल्ड में सच में कुछ कर्ज्ड हो रहा है। तो इतना सब होने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि यार मैं इस वर्ल्ड में और नहीं खेलने वाला हूँ। तो लास्ट बारी में कासल की तरफ नजर मारता हूँ एंड फिर से मेरे को कासल के अंदर एक वही स्किन दिखती है जो मेरे को छुप के पीछे से देखे जा रही है। तो मैं बिना देरी करे उसकी तरफ भाग पड़ता हूँ ताकि मैं उसको कैप्चर कर सकूं। बट यार फिर से कासल के अंदर पहुंचने के बाद मेरे को कोई भी नहीं दिखता है। और मैं अंदर रूम भी चेक करता हूँ लेकिन वहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा दिखता है जिससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जो हमारे टेक्नो गेमर्स के 20 मिलियन वाला गेट है उसके आसपास स्टोन कटर्स भला कोई क्यों ही लगाएगा, और जो वहाँ पर डोर है उसको एकदम पूरा कवर कर दिया गया है। पता नहीं यार इतनी रैंडम चीजें क्यों हो रही है मेरे साथ यहाँ पर, क्योंकि वो इस वाले सरप्राइज को तो पहले भी ब्लॉक कर सकता था। मैं कितनी बार आया हूँ इस रूम में लेकिन इसने अभी ऐसा क्यों करा मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। बट इतना समझ आ गया कि भाई इस कासल को सच में कोई स्पिरिट हॉन्ट करती है और वो हमको यहाँ से भगाना चाह रही है। ठीक है यार मैं भी इस हॉन्टेड कासल में अब और नहीं रहना चाहता हूँ।